क्यों नहीं? नहीं, इसीलिए कि किसान सरकार नहीं तो ये सब कुछ नहीं। जहां किसान सरकार है वहां ये सब कुछ है। तो हम भी महाराष्ट्र में ये चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? फिर बनाएंगे किसान सरकार? टंडा टंडा बोल रहे हैं आप, किसान सरकार। इसलिए मेरा आप लोगों से विनंती है, दूसरी बात ये पानी की कथा है, करंट का क्या चक्कर है भाई? आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता भाई? मैं ये एक बात कहता हूं, लिख लीजिए, इस देश में कोयला इतना है, 361 बिलियन डॉलर कोयला है हमारे पास। देखो हमारे वो करंट कर्मचारी है, लड़ेंगे लड़ेंगे, 361 कार्टन कपास के लोग हैं, बैठ जाओ भैया, 361 बिलियन टन्स का कोयला है। देश को जितना करंट चाहिए उतना अगर कोयला से बिजली पैदा करके अगर देश में 24 घंटा करंट भी दे दें, 125 साल के लिए ये कोयला सीमा बस है। और कोयला कहां है? कहीं आकाश में है? यही है, हमारे चंद्रपुर में है, बलारसा में है, उमरेड़ में है, हमारे गुग्गुस कालरिस में है, महाराष्ट्र के धरती में ही है, महाराष्ट्र में गोदावरी भी है, महाराष्ट्र में कोयला भी है। लेकिन यहां पानी नहीं मिलता और बिजली नहीं मिलता, ये क्या चक्कर है भाई? जरूर इसमें काल में दाल में कुछ काला है। ये बात अगर आप सही समझ जाओ, इसमें कोई संस्कृत नहीं है, कोई अंग्रेजी नहीं है, कोई जर्मनी जापानी भाषा नहीं है, कौन सा बड़ा समझने की बात है इसमें? बस हम झंडा देखते ही पागल हो जाते हैं। हमारा नेता क्या दिया? तुम्हारा नेता, हमारा पार्टी क्या दिया? क्या बनते जब ज्यादा से ज्यादा सरपंच बनते होंगे, जिला परिषद चेयरमैन बनते होंगे, लेकिन हमारे किसानों का प्रेत उठ रहा है, इसमें हमको एहसास नहीं होना चाहिए? हमारे घरों में पानी की किल्लत है, इसका हमारे एहसास नहीं होना चाहिए? ये राजनीतिक तमाशा जब तक चलता रहेगा तब तक हम खामोश रहेंगे, तब तक हम बटे हुए रहेंगे, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे। जो संपत्ति हमारे सामने है, हमारा अपना है, हमारे गांव में है, हमारे राज्य में है, इसको जाके हमको वर्ल्ड बैंक से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिका का पैर पकड़ने का जरूरत नहीं है। हमारा संविधान है, हमारे कानून है, हम कुछ सब कुछ बना सकते हैं, हम में वो ताकत है, हम आजाद हिंदुस्तान है। लेकिन पार्टियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बटे हुए बिखरते हुए हिंदुस्तानी है, इसलिए हमारा हालत यह है। मैं एक बात पूछता हूं भाइयों, ध्यान से सुन।